मित्रों, जैन मित्रों, मैं रोशन तिवारी आप सबों को अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कक्षा 10वीं का भी मैं वीडियो बना के अपने YouTube लिंक पे चैनल पे डालूँगा, तो मैं अपना एक दूसरा वीडियो जो कि चैप्टर के बीच का पहले अभ्यास का हम लोगों ने महत्वपूर्ण तत्व देख चुके थे, आज अभ्यास के बीच में पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा दूँगा। उसके बाद आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर अगले पेज का क्वेश्चन आंसर कर देंगे। पहले पेज अभ्यास के बीच का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उसके बाद जो है अभ्यास के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिया है वो देखेंगे। अभ्यास एक है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, पेज नंबर 6 का है, आप लोग देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु की उपस्थिति में जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, धातु की तरह है। जब खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर या सरेस पेपर से के द्वारा साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रक्रिया के लिए किया जा सके, यानी कि शुद्ध धातु जो है मैग्नीशियम का उसका उपयोग किया जा सके। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है, यह काफ़ी क्रियाशील धातु है जो कि स्वतंत्र रूप से रहने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। यहाँ पर एक समीकरण द्वारा भी दिखा गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। अभिक्रिया के स्वरूप HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इसमें देखिए, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 2 है, यहाँ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का सिर्फ HCl होता है, तो यहाँ पर दो से गुना करके इस समीकरण को क्या कर लिया है, संतुलित कर लिया है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, बेरिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया गया है तो बेरिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है, ठीक है? तो बेरिनियम सल्फेट जो है BaSO4 होता है और AlCl3 होता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का। समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ पर BaCl2 है, यहाँ पर Cl3 है, तो पहले 3 से गुना कर लिया गया, 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। अब Ba कितना हो गया, 3 हो गया, तो Ba को 3 बनाना है, तो Ba को 3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया गया है। आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, Ba में 3 लगा दिया गया है, ठीक है? और Ba3 लगाया तो SO कितना हो गया, 4 हो गया, और SO4 था ही, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा देखिए, ये संतुलित हो गया समीकरण। दूसरा है सोडियम, और सोडियम का Na सूत्र होता है, जल के साथ H2O जल का सूत्र होता है, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं H2 है, इधर भी H2 है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम इधर देखिए Na है, लेकिन यहाँ पर OH देखिए, OH2 यहाँ पर 2 लगा दिया गया है, यहाँ पर O सिर्फ एक है, H जो है यहाँ भी 2 है, इस तरफ देखिएगा, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, H इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया ना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर दो लगा दिया है, यहाँ दो लगा दिया है तो दो दो चार हो गया, यहाँ पर दो लगा दिया तो दो हो गया, दो यहाँ पर था ही तो दो दो चार एच फोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस समीकरण का Na2 ओ एच जो है ओ वन है, यहाँ पर टू है तो यहाँ टू लगाया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं टू हो गया ओ और H2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है ये तीनों समीकरण को संतुलित कर लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले इसको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका संकेत लिखना है, उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, उसके बाद फिर उसको संतुलित करना है। जैसे देखिए, जल में बेरिनियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरिनियम सल्फेट का अपक्षय बनाते हैं। इस प्रकार देखिए, तो देखिए जल में बेरिनियम क्लोराइड BaCl2 हो गया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को जब अभिक्रिया कराया गया तो BaSO4 बना और NaCl हो गया, ना सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर NaCl2 है, तो देखिए Ba और Ba एक ही है, Cl2 यहाँ पर Cl सिर्फ एक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए Cl2 है क्योंकि यहाँ पर दो से गुना है, यहाँ पर Cl क्या है, 2 है, तब तो दो से गुना करके दोनों को संतुलित कर लिया गया है। अब Na यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी Na2 था, दोनों तरफ Na, इधर भी Na2 और यहाँ भी Na2 हो गया, और BaSO4 तो है ही, तो ये समीकरण संतुलित हो गया इस प्रकार, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विल्टन यानी उसको जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ले विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो सोडियम क्लोरीन NaCl बना और H2O जल मुक्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार इसमें भी देखिए समीकरण को संतुलित किया गया है, तो ये समीकरण देखिए H2O है, ये समीकरण संतुलित ही है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नया वीडियो नए पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर हम करके अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक जानकारी लें और इसका नोट्स भी तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।